हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने बीते कुछ महीने पहले भाई भतीजावाद पर जमकर हमला बोला था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से तो कंगना ने खुलकर नेपोटिज्म पर बात की थी, साथ ही कई बड़े खुलासे किए थे। कंगना ने कहा था कि बॉलीवुड के माफिया आउटसाइडर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और स्टार किड्स को आउटसाइडर्स से ज्यादा मौके मिलते हैं। कंगना ने नेपोटिज्म पर काफी कुछ कहा था, लेकिन हिमाचल की रानी कंगना की बातों से हिमाचल की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस जरा सा भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अस्मिता सूद हैं, जो कि कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं। बता दें, फिलहाल अस्मिता सूद अपने शिमला वाले घर पर हैं और हाल ही में उन्होंने एक बातचीत में नेपोटिज्म पर छिड़ी बहस पर एक अलग ही राय रखी है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भाई भतीजावाद चलता है, क्योंकि डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर, नेता अपने बच्चों को नेता और शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षक बनाना चाहता है। यदि फिल्मी जगत के लोग अपने बच्चों को फिल्मों में लाते हैं तो फिर बुराई क्या है? बिजनेस हो या कोई और फील्ड हो, हर आदमी ये सोचता है कि जिस क्षेत्र से वो जुड़ा है उसका बेटा या बेटी भी उसी क्षेत्र में नाम कमाए। कोई भी सही या गलत नहीं हो सकता, सब अपने अनुभव से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, इतना जरूर है कि स्टार किड्स को पहला ब्रेक आसानी से मिल जाता है, पर उसके बाद तो उन्हें मेहनत के दम पर आगे बढ़ना होता है। मैं कंगना के बयान को गलत नहीं कह रही, ये इतने वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन यहां पर मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। तो देखा आपने, अस्मिता सूद को लगता है कि भाई भतीजावाद तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही मौजूद है। कहीं ना कहीं उनकी बातों से तो ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने ये बातें बोलकर कंगना से पंगा ले लिया है। बता दें कि अस्मिता ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में साउथ की फिल्मों से की थी। इसके साथ ही वो फिर भी ना माने, बदतमीज दिल और दिल तो है जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। वहीं हाल ही में वो Z5 की वेब सीरीज पॉइजन 2 में नजर आई थी। खैर, देखने वाली बात तो अब यह होगी कि अस्मिता सूद के नेपोटिज्म वाले बयान पर कंगना किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।